पहले जो है हम क्रिश का स्क्वाड ले लेते हैं। सो क्रिश स्क्वाड फॉर T20 वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा कैप्टन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंदर जडेजा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहसिन खान और अर्शदीप सिंह। आपने पता नहीं चॉइस क्यों दी है, तीन नटराजन, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, केएल राहुल एंड जितेश और जितेश शर्मा। तो भाई आपकी ये टीम जो है 20 बंदों की बन गई है, नॉट 15, तो ये लॉजिक नहीं है इस चीज में। 15 बंदों की स्क्वाड देनी थी, बट एनीवे आप उसमें से एक चूज कर लेना। सो क्रिश, आपके फर्स्ट 9 तो मुझे सही लग रहे हैं, जसप्रीत बुमराह 10th भी सही लग रहे हैं, कुलदीप यादव 11th भी मुझे सही लग रहे हैं, मोहसिन, अर्शदीप एंड नटराजन के बीच में आप एक सिलेक्ट करिए। देखो पहले जो 11 खिलाड़ी है वो मैंने प्लेइंग 11 के हिसाब से रखे हैं, सब लोग एग्री नहीं करेंगे मेरे ऊपर क्योंकि इसमें एक ही बॉलर मैन दिख रहा है आपका जसप्रीत बुमराह, बाकी बॉलर दिख नहीं रहे हैं इसलिए। और कारण क्या है, हार्दिक पांड्या बॉलिंग फिट है तो डाल लेंगे, शिवम दुबे से एक दो ओवर डलवा सकते हो, इस तरीके से बॉलिंग हो सकती है। और स्पिनिंग देखो वेस्ट इंडीज में मैच है ना भाई, ज्यादा स्पिनर का बोल बाला रहेगा रहेगा, इस तरीके से क्या है हमारी 11 आप एक पेसर और एक आधा पेसर, मतलब हार्दिक पांड्या आधा पेसर है, दो ओवर बोलर है, कल वैसे दो ओवर में वो 41 रन पिट गया था दिल्ली के अगेंस्ट, तो भाई आधा बोलर और एक फुल जसप्रीत बुमराह के साथ आप प्लेइंग 11 पे जाएंगे। देखो मेरा मानना ये है क्योंकि शिवम दुबे से एक दो ओवर डलवाने लग जाओ ना आप, तो नहीं यार डलवाने की तो बात खत्म होगी ना क्रिश, बिकॉज अब तो एक ही महीना रह गया और आधा तो निकल ही गया है। चलो ठीक है, एनीवे मैं आता हूँ पॉइंट पे। तीन खिलाड़ी मैंने ऑप्शंस में रखे लेफ्ट हैंडेड, तीन में से एक चाहिए, मैं अगर एक चूज करूंगा तो मोहसिन खान। नटराजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नटराजन भी अच्छा है, मोहसिन खान क्यों चूज करूंगा क्योंकि वो 150 तक की पेस डालता है, स्लो वेरिएशन है, यॉर्कर है, बाउंसर है, लेफ्ट आर्मर पेसर है। अगर आप इस तरीके से जाते हो तो टीम बहुत अच्छी हो जाएगी। सिराज देखो सबने देखा, चलता है तो चलता है, वरना तो पिटता है। आप अगर रन छुपवाना ही है तो कहीं ना कहीं एक लेफ्ट आर्मर रखो ना, जो आपकी कमजोरी है सामने वाले की भी तो रहेगी। आपने सिराज ही नहीं डाला। मैंने सिराज नहीं डाला, मैंने वही बोला, पर सिराज कंफर्म्ड है। नहीं कंफर्म तो है, कंफर्म तो ऐसे राहुल को भी कर देंगे, इसलिए मैंने जितेश और राहुल में से बोला था कि एक डाल दो, क्योंकि जितेश का नाम मैं स्पेशली बोलूं चर्चा करूंगा। क्यों? क्योंकि वो नीचे खेला, इस सीजन नहीं चल रहा, इससे पहले इंडिया के जर्सी में खेला था, अच्छे परफॉर्मेंस दी थी नीचे आकर के, इसलिए मैंने उसका लगाया। केएल राहुल नीचे नहीं खेला, संजू सैमसंग नीचे नहीं खेला, इसलिए मैंने ज्यादा नाम नहीं रखे। तो मेरे हिसाब से यार, तो मतलब आप कह रहे जितेश नहीं चलता हुआ प्लेयर क्योंकि उस पोजीशन में खेलता है तो आप उसको लेके जाएंगे, लेकिन चलते हुए प्लेयर जो नंबर 4 पे भी आके रन बना रहे हैं, कल मैच जिता रहे हैं, संजू सैमसन जैसे, उसको दो लेवल अगर नीचे लाना हो तो उसको नहीं लेके जाएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं, दो लेवल का बहुत फर्क पड़ता है। दो लेवल का मैं आपको बता दूं उदाहरण, रियान पराग दो लेवल नीचे आते थे, 8-10 सीजन खेलते खेलते उसने कुछ नहीं किया, घंटा नहीं उखाड़ा, दो लेवल ऊपर आए हैं और इस समय रन धड़ाधड़ पेल रहा है, ये फर्क पड़ता दो लेवल का। अब देखो विकेट कीपर की मैं चर्चा इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि विकेट कीपर हमें एक ही चाहिए और वो ऋषभ पंत ऑलरेडी प्लेइंग 11 में है, रिजर्व में रखना है ना आपको, तो रिजर्व का क्या मतलब होता है, कभी कभार खिलाना है अगर कोई खिलाड़ी को, आराम देना है, इंजर्ड हो जाए तब ना, तो वो आप वहां पे काम चल जाएगा। इससे क्या है, मेरे प्लेइंग 11 से क्या है, आपकी बैटिंग बॉलिंग डीप हो जाती है और आपको डीप चाहिए। नहीं, बट बॉलिंग कैसे डीप हुई, आपने तो 3-3.5 स्पिनर रख लिए हैं इसमें और डेढ़ नीचे सागनिक बोल रहे हैं 0.33 पर, मतलब 33% पेसर है अभी जो फॉर्म का हिसाब से, उसकी फिटनेस के हिसाब से, उसका माइंडसेट हार्दिक का जैसा चल रहा है उसके हिसाब से मैं उसकी बात पे अग्री करी हूँ, 50% बॉलर भी नहीं है वो, 33% बॉलर है, मतलब आप 1.33% बॉलर लेके जाएंगे एंड 3.5 आप स्पिनर लेके जाएंगे। देखो स्पिनर का बोल बाला ज्यादा रहेगा, आप समझो बात को, इस पूरे फॉर्मेट में आपने क्या सीखा है, स्पिनर ज्यादातर विकेट निकाल देते हैं ना, जब बड़ी बाउंड्री आएगी। अब मैं कहता हूँ चलो एक पेसर और डालो, किसको डालोगे, सिराज को, रन मशीन ही है ना सिराज, कितना चलता है T20 में। बट वही तो बात है, आप अभी कह रहे हैं कि जितेश इस IPL में नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल जब वो जर्सी पहनता है तो वो परफॉर्मेंस करता है। सिराज जो है वो जर्सी पहनता है परफॉर्मेंस करता है, वर्ल्ड कप पे उसकी परफॉर्मेंस आती है, श्रीलंका के अगेंस्ट जहां स्लो विकेट्स होती है उसकी परफॉर्मेंस आती है, आज उसने जबरदस्त यॉर्कर मारा है, तो वो भी जब जर्सी पहनता है वो भी परफॉर्म करता है। आप खुद कहते हैं जब हार्दिक पांड्या जर्सी पहनता है वो भी परफॉर्म करेगा, तो फिर यू नो सिराज से क्या प्रॉब्लम है। सिराज से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, सिराज से मुझे ये प्रॉब्लम है कि देखो
बॉल मदद मिलेगी ना बॉलिंग से, स्विंग होगी तो चल जाएगा, वरना तो रन लुटाएगा। जिस तरीके से रन लुटवाता है ना, वहां मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि जितने रन वो लुटाएगा, मान लो चार ओवर में पिटता है, एवरेज एवरेज मान लेता हूं, पिटना भी नहीं कहता, एवरेज चार ओवर में 40 रन दे रहा है, ठीक है, विकेट ले ना ले 40 दे रहा है, ठीक है। अब बैटिंग तो खत्म ना, नीचे वो बैटिंग नहीं कर सकता। अगर हमारे पास हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे है, ये 40 चार ओवर में 60 रन बना सकते हैं, दोनों दोनों बैट्समैन में इतना दम है, 60-60 बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा यही रखना है, लेकिन एक फायदा होता है आपकी डीप बैटिंग होने का, आप एक प्रॉपर पेसर, या तो आपके पास आ जाए मोहम्मद शमी, ये न्यूज आ जाए इलेक्शन खत्म हो गए हैं कि भाई ये बंदा फिट है। नहीं नहीं, मोहम्मद शमी फिट नहीं है यार, तो, उसकी तो चर्चा करना बेकार है, वो अभी भी लंगड़ा रहा है, और जहां उसको पार्टी में जाना है वो वहां जा रहा है, डांस कर रहा है। हाँ हाँ, वो जा रहे हैं जहां उसको जाना है, और बाकी टाइम वो लंगड़ा रहे, तो भाई उसको तो हम छोड़ो, वो तो हम नहीं कंसिडर कर रहे। तो भाई जो आपके मोहसिन खान, अर्शदीप एंड टी नटराजन है, उसमें से आप मोहसिन को प्रेफर कर रहे हैं? मोहसिन को, क्योंकि उसकी पेस है। देखो यार, मयंक यादव को भी ला सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम यार, मयंक यादव अभी दो या तीन गेम्स खेला है, उसके बाद उसकी हिप्स में स्वेलिंग हो गई, चार गेम के लिए वो बाहर बैठा है, ठीक है। पता चले दो गेम तीन गेम और खेले, जो बंदा फिटनेस पे डिपेंडेंट नहीं है, हार्दिक का सेम स्टोरी है उसकी, कि भाई वहां जाके एक दो गेम से परफॉर्मेंस देके फिर भाई साहब जी हिप्स में स्वेलिंग हो गई, जी ये स्ट्रेन हो गया, वो स्ट्रेन हो गया, बड़ी मुश्किल हो जाएगी यार, डिपेंडेबल नहीं है, उसकी फिटनेस ही नहीं है। तो अब हमारे पास देखो ऑप्शन ज्यादा बचे नहीं है। T20 स्पेशलिस्ट में अगर बात की जाए, जो सबसे ज्यादा मैचेस खेला है टीम इंडिया की तरफ से पिछले 2-3 साल का, उसमें अर्शदीप है, लेकिन रन मशीन ही है ये सारे, अर्शदीप ले लो, सिराज ले लो, रन मशीन है, बॉलिंग में रन ही देते हैं, एक बुमराह ही आपका प्रॉपर पेसर है जो रन बचाएगा, उसके अलावा तो रन मशीन है। इसलिए आप एक प्रॉपर स्पिनर खिला, पेसर खिला सकते हो, सिराज को खिला लो या किसी को भी खिला लो, पॉइंट ये है वो जब पिटेंगे तो 60-70 रन देंगे, चले ठीक ठीक चले तो 40 रन जरूर देंगे, 30-40। तो बेसिकली क्रिश, अगर मैं मोटा मोटा करूं, क्योंकि फिर मैं अपना भी डिस्कस करेंगे वरना ज्यादा लंबी ये डिस्कशन हो जाएगी, तो आप बैकअप विकेट कीपर में आइदर केएल राहुल या जितेश को रख रहे हैं, एंड फर्स्ट चॉइस में आप ऋषभ पंत को रख रहे हैं जी। ओके, सो आपका ये प्लेइंग 11 है, दो तीन पोजीशन से मैं शायद अग्रीएबल नहीं हूँ, हमारे व्यूअर्स बता सकते हैं कि क्रिश की प्लेइंग 11 आपको स्क्वाड ऑफ 15 या इनकी स्क्वाड ऑफ ये 20 है वो कैसे लगी है। तो क्रिश नेक्स्ट टाइम जो होगा स्क्वाड ऑफ 15 देना, स्क्वाड ऑफ 20 मत देना, वरना उसका कोई फायदा नहीं है। तो एनीवे, मेरी जो है मैंने हाईलाइट कर दी है, शिवानी स्क्वाड फॉर T20 वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा, जयसवाल, गिल, स्काई, विराट कोहली, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, आपने शिवम दुबे नहीं डाला, शिवम दुबे डाला, अच्छा, जडेजा, कुलदीप, अक्षर, बुमराह एंड सिराज। तो मैंने कोई यंगस्टर पेसर्स डाले नहीं है। एक चेंज मैं जो सोच रही हूँ, हो सकता है किसी तरह अगर इसमें अर्शदीप फिट हो जाए एज अ लेफ्ट आर्म पेसर, तो अर्शदीप और सिराज का एक ऑप्शन बन सकता है दोनों में, पर वो कहाँ फिट होंगे वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस इंसान को मैं बाहर करूंगी कि उसकी जगह वो फिट हो। तो 15 लेने थे तो मैंने उनका फिर उनको छोड़ दिया, सो इसमें मैंने सैमसन भी रखा है, एंड फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर मेरी जो है वो ऋषभ पंत है, सेकंड सैमसन है। एक और चीज हो सकती है कि ओपनर्स की पोजीशन में जो है गिल, जयसवाल, रोहित तीनों हैं, तो गिल छोड़ दे एंड गिल को बाहर निकाल के हम अर्शदीप को डाल सकते हैं, क्योंकि गिल की प्रॉपर उतनी फॉर्म नहीं डाल जा रही है। तो यहाँ एक चेंज में हो सकता है जो मैक्स टू मैक्स, क्योंकि बैटर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो गिल निकाल के अगर हम अर्शदीप डाल दें तो एक लेफ्ट आर्म पेसर भी हो जाएगा, स्पिनर्स भी हो जाएंगे, ऑलराउंडर्स भी काफी हो जाएंगे, बॉलिंग ऑलराउंडर्स में स्पिनिंग ऑलराउंडर भी है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी है, एंड अगर हार्दिक पांड्या नहीं चलते हैं तो शिवम दुबे का भी रिप्लेसमेंट है। तो मेरे हिसाब से कुछ ये बन रही है, जिसमें मैंने सिराज को जगह दी है। जी, आपने संजू सैमसन और सिराज को दिया है। देखो मुझे सिर्फ प्रॉब्लम जहां हो रही है, संजू सैमसन का वो आईपीएल हमेशा अच्छा खेलता है, ऐसी बात नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ यहां आती है जब ये बंदा टीम इंडिया की जर्सी में खेलता है, तभी आपने देखा कितनी बार फेल हो जाता है। हमने इसको बहुत सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया, लेकिन जो बंदा आप खुद मानो, अगर कोई बंदा आप ऐसा लेके जाओ जो 10 मैच खेले और 2 मैच में चले, क्या वो सही है T20 वर्ल्ड कप या किसी भी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में? क्योंकि आपके पास 10 मैच टोटल भी नहीं होते और वहां पे सिर्फ 2 में चलोगे तो, और आपको चाहिए वहां पे 10 में से जो 8-7-6 में चले, एवरेज खिलाड़ी जो चले 5 में चले, 5 में कम से कम, 4-5 में तो चले ना, 40-50% तो दे इतना,
तो इसलिए मुझे ये छोड़ करके बाकी मैं आपकी टीम मुझे परफेक्ट लग रही है जी। चलिए इसमें हम यूजर्स के थोड़े कमेंट्स ले लेते हैं हमारे व्यूअर्स के। सागनी कह रहे हार्दिक पांड्या 0.33% पेसर है, यस दैट इज आई अग्री विद दैट। देन विकी कह रहे हैं नटराजन को डालो, तो भाई विकी नटराजन को मैं डालूं पर किसकी जगह डालूं यही तो समझ नहीं आ रही, या तो मैं गिल को बाहर निकालूं। एंड देखिए नटराजन अभी सिर्फ आईपीएल खेल रहे हैं, पूरे साल he is not played an international match. मुझे उस चीज से प्रॉब्लम है कि आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है, आपका आईपीएल में परफॉर्मेंस है, तो इस चीज के लिए मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता है। मैं आईपीएल के बेस, प्योर आईपीएल के बेस पे पहली मैं संजू सैमसन एंड शिवम दुबे को अंदर डाल रही हूँ, और अब ये तीसरा इंसान को एज अ बॉलर जो आधा टाइम फिट रहता है, इसीलिए मैंने नटराजन को नहीं भेजा। और ये मार्करम पता नहीं क्या सर्कस, मुझे ऐसा लगा सर्कस में यहाँ पहुंच गया है। सो एनीवे मयंक का क्या सीन है? मयंक आई थिंक आज उन्होंने पोस्ट डाली है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो ही शुड बी फिट नेक्स्ट नेक्स्ट यू नो मैच में शायद वो आ जाएंगे। लेकिन बहुत ही उनका फिनिकी सा सीन है, बहुत इंजरीज हैं, लास्ट दो साल वो इंजर्ड रहे हैं लखनऊ के साथ, दो साल से वो लखनऊ के साथ है लेकिन वो प्लेइंग 11 में आए नहीं क्योंकि इंजरी थी। एंड अब भी 3 से 4 मैच मैक्सिमम उन्होंने खेले और वो बाहर हो गए। सो भाई आई एम नॉट श्योर ऑफ हिज फिटनेस लेवल्स। देखो चलता फिरता हॉस्पिटल, तो देखो मैं हार्दिक पांड्या को भी बोलूंगा फिटनेस के मामले में, और मैं क्या दो भी है, अब अगर इनको नहीं हटा दे, अब चलता फिरता हॉस्पिटल आपके मोहसिन नटराजन भी है, ठीक है, अब आपके पास बचे हैं चॉइस प्रॉपर पेसर में सिराज, जो फिट रहता है बंदा, हमेशा फिट रहता है, एक चीज ये सही है, अर्शदीप फिट रहता है, प्रॉब्लम यह है इसमें से एक राइट हैंडेड है एक लेफ्ट हैंडेड है, और दोनों रन मशीन है जब पिटते हैं तो, लेकिन दोनों स्विंग जब मिल जाती है तो अच्छे डालते हैं। सिराज की तो पेस भी अच्छी है, लाइन लेंथ भी अच्छी है, चलो ठीक है, अर्शदीप की पेस भी नहीं है लेकिन लेफ्ट आर्मर की हमें जरूरत पड़े। तो स्कोर पे अब अगर बात करूं मैं आपके, इसमें प्रॉब्लम यहां है कि दो ओपनर बैट्समैन बैकअप रखने की जरूरत है नहीं, तो वही मैंने कहा कि गिल को अगर छोड़ के अर्शदीप को अंदर डाल दिया जाए जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है, उसको एक्सपीरियंस है, लेफ्ट आर्म पेसर भी है, तो क्योंकि मोहसिन और नटराजन को ग्रूम नहीं है, कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है पिछले एक साल का, तो कैसे हम रिस्क ले सकते हैं? मयंक को भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। देखो क्या होता है, जोफ्रा आर्चर को भी एक्सपीरियंस नहीं था 2019 वर्ल्ड कप में, क्योंकि वो आईपीएल में परफॉर्मेंस देने लगे तो उन्होंने डाल दिया इंग्लैंड वालों ने। अगर इंग्लैंड वाले, अगर ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसी चीजें कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एक रिस्क फैक्टर जरूरी थोड़ी ना हमें प्लेइंग 11 में रखना ही है हमेशा, हमें तो ये रखना है स्क्वाड में रखना है, खिलाएंगे चलता रहा तो खिलाते रहो वरना तो ड्रॉप कर दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपके पास बैकअप में तो है ही ना, ये है तो जी जी बोलिए। तो इस पॉइंट में, और बात है जायसवाल और गिल दोनों ही फ्लॉप जा रहे हैं, इस पूरे सीजन में फ्लॉप जा रहे हैं, लेकिन जायसवाल इंटरनेशनल में टेस्ट में तो अच्छा खेले थे लेकिन वो टेस्ट मैच है, यहाँ T20 है, T20 फॉर्मेट में चल नहीं रहे हैं। अब दोनों ही खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली का ये आखिरी वर्ल्ड कप है, इसके बाद इनके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगी। जी जी बिल्कुल। तो समीर ने अपना जो है वो स्क्वाड भेजा है और वो कह रहे हैं कृष आप सिलेक्टर्स का स्क्वाड बताइए, आप अपना स्क्वाड मत बताइए, जो सिलेक्टर्स देने वाले हैं वो स्क्वाड हमें डिस्कस करना है ताकि हमारे उनके साथ कितने मैच हो, दैट इज द लॉजिक, मतलब सिलेक्टर्स कौन सा स्क्वाड वो भेजेंगे, हम अपना स्क्वाड करके कोई फायदा नहीं है, जो वो सिलेक्ट करने वाले और हमारा उसके साथ कितना मैचिंग है वो हमें जानने की यू नो इंटरेस्ट है। तो उन्होंने अपना स्क्वाड दिया है अपडेटेड 28 अप्रैल, ये एक्सपेक्टेड है, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, ये सब तो फिक्स है, बाकी डिसीजन है अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, अवेश खान, संदीप शर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सैमसन, इसीलिए अनाउंसमेंट मंडे या ट्यूसडे को होगी। तो इन्होंने ये अपनी अपडेट दी है। यूजी चहल के बारे में आपको क्या कहना है कृष? यार देखो मैं तो यही कहूंगा, अश्विन को जैसे लेकर चले गए थे ना 2022 में, चहल को ले जाकर वही गलती करोगे, यहाँ पे भी चहल ने कौन से झंडे गाड़ लिए आईपीएल में, ये तो अपना होम ग्राउंड है ना, यही परफॉर्मेंस नहीं आ रही। अगर आप 60-60 रन खा के विकेट लोगे तो पीयूष चावला को ले जाओ भाई, उसमें क्या कमी है, उसने भी जेक्स फ्रेजन जो भी इनका जेक फ्रेजम मैगक मैंने आपको सिखाया था वो भी है व्हाटएवर है, उसकी विकेट निकाल दी थी, उसमें क्या प्रॉब्लम है। पॉइंट ये है हमें टीम चाहिए वर्ल्ड कप जीतने वाली,
हमें टीम वो नहीं चाहिए पर्ची प्लेयर। अब बात आ जाए तो मैं समीर कह रहा कि वो बताओ जो सिलेक्टर बता रहे, भाई सिलेक्टर तो हर बार पर्ची प्लेयर डालते हैं, इस बार के राहुल को डालेंगे, शार्दुल ठाकुर को डाल दिया था, ठीक है ना, दो तीन खिलाड़ी और मैं बताते तो दिनेश कार्तिक को डाल दिया था जो डिजर्व नहीं करता था, अश्विन को डाल दिया था जो डिजर्व नहीं करता था। अच्छा आप बताइए सैमसन डिजर्व करता है कि नहीं डिजर्व करता है? देखो नहीं करता भाई, में नहीं करता, आप लोग करता है लेकिन सैमसन नहीं करता है। फर्क दोनों में ये है, आप T20 वर्ल्ड कप में विकेट कीपर बैट्समैन कौन से नंबर पे आएगा मुझे बता दो बस, कहां ऑब्वियसली पंत फिफ्थ प्लेस पे आएगा तो वो फिफ्थ पे ही आएगा, तो फिफ्थ और सिक्स पे आएगा ना, फिफ्थ पे आएगा, पंत तो पांचवे में आएगा ना। अब मैं वही कह रहा हूँ पांच में पे संजू सैमसन कितने झंडे उखाड़ चुका है टीम, अरे चार पे खेलता है, चार और पांच ही की बात है, चलिए चार पे भी खेल सकता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। देखो अगर आपके स्कोर से चल ले लेता हूँ मैं, ठीक है मेरा स्कोर अब चल मतलब जो भी चल रहा है सिलेक्टर के स्कोर से ले लेता हूँ, रोहित शर्मा एक ओपनर कोई ले लो, गिल या जायसवाल आप यही चाह रहे हो ना, हो गया आउट, नितेश कुमार जडेजा ले गया, एक 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 ओपनर तो आएगा ना यंगस्टर आप देख रहे हो, क्योंकि मैंने तो नहीं रखा आप लोगों के हिसाब से बता देता हूँ, तीन नंबर विराट कोहली, चार नंबर सूर्य कुमार यादव, अब इनको तो आप हिला नहीं सकते, पांच नंबर बचा है, पांच पंत और संजू सैमसन, ठीक है और जितेश आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ पंत, पांच नंबर पंत हो गया, बात ही खत्म, हम बाकी की छोड़ दो, क्या बैकअप में क्या रखना छोड़ो, पांच पंत हो गया, अब शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, ऑलराउंडर अगर अक्षर पटेल को डालते हो ऑलराउंडर बैटिंग बढ़ गई नीचे तक आ गई, कुलदीप को डालते हो ठीक ठीक बॉल बैटिंग करता है लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी है ना, जडेजा ने 104 की स्पीड से बॉल डाल दी वो ऐसे ही डालता है बीच बीच में तेज डाल देता है, नितिश कुमार रेडी एकदम टेस्ट मैच का एकदम यू नो पूरा अपना ऑडिशन देते हुए टेस्ट मैचेस की आउट हो गए। तो भाई क्रिश साधमिक का हम प्लेइंग 11 ले लेते हैं, उसके बाद हम आज के मैच की डिस्कशन में वापस आते हैं। सर वो कह रहे रोहित शर्मा, जायसवाल, कोहली, स्काई पंत एज द विकेट कीपर, सैमसन एज द नेक्स्ट विकेट कीपर, हार्दिक दुबे, रिंकू, जडेजा, कुलदीप, चहल, उन्होंने चहल डाला है, बुमराह, सिराज एंड अर्शदीप। तो मोर और लेस साधमिक आपकी मेरी प्लेइंग 15 से मैच करिए, एक आपने सिर्फ चहल एक्स्ट्रा डाला है और मैंने उसके मैंने गिल डाला, आपने चहल डाला, नहीं गिल नहीं उसके जगह तो मैंने अर्शदीप बोला, सो एनीवे एक चहल आपका है उसके जगह मैंने अक्षर डाला, यस तो आपने चहल डाला मैंने अक्षर डाला, तो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन आवर टीम्स एंड ऑफ कोर्स गिल वर्सेस यू नो अगर अर्शदीप हमें करना हो तो। सो साग्निक आई थिंक ये टीम जो है थोड़ा सा ज्यादा बैलेंस्ड लग रही है मुझे, चहल का आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं लगता वो लेके जाएंगे चहल को, 2022 में नहीं लेके गए, उस टाइम पे तो पीक पे था ना, अब दो साल से तो टीम इंडिया में नहीं खेल रहा है वो, वही गलती करोगे जो अश्विन को ले जाके की थी, दो साल से वो खेल नहीं रहा था, उसको 2022 के वर्ल्ड कप में ले गया राहुल द्रविड़, क्या हुआ कुछ हुआ नहीं हुआ ना, हार करके मुंह की खा के आ गए ना। देखो आप सच्चाई समझो, BCCI के पास है करोड़ों रुपए, वो टूर्नामेंट को ऐसे ऑर्गेनाइज करती है कि किसी तरीके से हमारी टीम सेमीफाइनल पहुंच जाए, ये कड़वी सच्चाई मान लो आप, ये है। अब बात ये है कि सेमीफाइनल और फाइनल जीतना है टाइटल के लिए, वहां ये पर्ची प्लेयर आपको मरवा देंगे, क्योंकि लीग के मैचेस में चल जाता काम, एक मैच हार गए कोई बात नहीं, नॉकआउट मुकाबले में फिर ये इनके बस की कुछ नहीं होता। अब वहां पे चहल 50-60 रन खा गया, मान लो चल रहा मैच मुकाबला 60 रन वो खा गया, तो आप लोग कितनी गाली दोगे चहल को, तो आपको वो देखना पड़ता है, जो बुझ गया दिया उसको नहीं लाना है, जो जिस दिए में आग है उसको लाना है, या 2007 का उदाहरण ले लो, सीनियर खिलाड़ी यंगस्टर खिलाड़ी का बैलेंस लेकर के जाओगे तब टीम स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। जी तो सांगनिक जी से कह रहे हैं ये उनका थॉट प्रोसेस है, सिलेक्टर्स का उनको नहीं पता है, तो भाई काफी सही थॉट प्रोसेस आपका जा रहा है सांगनिक, बट एक थोड़ा सा होगा वो तो सबके में होगा, मेरे में भी होगा, इनके भी होगा, सब में थोड़ा थोड़ा होगा, एंड समीर जी जो बता रहे हैं प्योरली ऑन द टर्म्स ऑफ न्यूज बता रहे हैं, तो विकी जी कह रहे हैं संजू को लेके जाओ 100% पहलेगा वेस्ट इंडीज में, मेरे को भी फीलिंग आ रही है जिस मूड में है, कल उसके एक्सप्रेशंस जो विनिंग एक्सप्रेशंस थे, जैसे वो रोर किया था, जैसे वो स्क्रीम किया था एकदम अग्रेसिवली, मुझे ऐसा लगा है ही इज रियली रियली इंटरेस्टेड टू गो, एंड यू नो इफ ही गोज ही कैन परफॉर्म वेल, तो भाई
आयुष कह रहे दीदी अगर मुझे बीकेएल मिला तो बोलूंगा वर्ल्ड कप जिताओ आप देखो इस पूरे वर्ल्ड कप की चर्चा होगी, अब सब ने संजू सैमसन का रोना धोना कर दिया है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा रोना धोना क्यों है भाई, मैं ये कहूंगा दिनेश कार्तिक ने कौन से गुनाह कर दिए भाई। दिनेश कार्तिक उस जगह पे आके मार रहा है एज ए फिनिशर, जहां एमएस धोनी मारता था। अगर आईपीएल के बेस पे ही सिलेक्ट करना है तो दिनेश कार्तिक को क्यों नहीं चर्चा में ला रहे हो, उसने भी खूब धोया है। रोहित शर्मा ने बोला है वर्ल्ड कप चल रहा है दिमाग में, उसने तो बुमराह की भी छक्का मारा है ना। अगर आईपीएल के बेस पे चले हो और नंबर भी सही जगह खेल रहा है, ऐसा नहीं ऊपर तीन चार पे आकर के रन बना रहा है, तो दिनेश कार्तिक के या फिर आप एज देख रहे हो उसकी, रोहित शर्मा की एज नहीं देख रहे, विराट कोहली की एज नहीं देख रहे, फिर इसकी एज देख रहे हो, गलत चीज है। तो यार वो एक्टिव प्लेयर नहीं है ना, वो एक्टिव कॉमेंटेटर है, ठीक है, वो एक्टिव प्लेयर नहीं है। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट, खुद ही तो आप बोल रहे हो इंटरनेशनल क्रिकेट वही मैं कह रहा था, मैं वही कह रहा था एक्टिव प्लेयर। अब दो साल से चहल खेला नहीं है, पिछले चार साल में संजू सैमसन ने टीम इंडिया के लिए कितने मैचेस खेले आप देख लो, और स्पेशली व्हाइट बॉल की बात की जाए तो T20 की बात की जाए तो कितने मैचेस खेले आप ये देख लो। मैं अभी स्टैट्स निकाल देता हूं संजू सैमसन ने कितने टोटल मैच खेले T20 इंटरनेशनल में। तो उससे पहले मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ समीर जी का। समीर कह रहे हैं कि वाइस कैप्टन कौन होना चाहिए, माय पंत क्रिश शिवानी का वाइस कैप्टन कौन होना चाहिए? तो भाई समीर जी मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या ऑलरेडी अनाउंस्ड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हार्दिक पांड्या, जय शाह ने किसी जगह बोला है दैट रोहित शर्मा कैप्टन एज अ कैप्टन जाएंगे, हार्दिक पांड्या एज अ वाइस कैप्टन जाएंगे, अगर मुझे गलती नहीं लगी है या कुछ चीजें चेंज नहीं हो गई हैं, तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब ये चीज उनके प्रेजेंट फॉर्म से चेंज की जाए। अगर दूसरा ऑप्शन देखना है एज अ वाइस कैप्टन तो आप बुमराह को देख सकते हैं, ऋषभ पंत को भी देख सकते हैं। ऋषभ पंत अभी देखिए इंजरी से वापस आए, दिल्ली की वो कर रहे हैं कैप्टनसी, अच्छी कर रहे हैं, जिता भी रहे हैं, लेकिन देखिए इतना बड़ा भार उनके सर में डाल देना राइट नाउ आई डोंट नो कितना फीजिबल है, क्योंकि इंटरनेशनल नहीं खेला है, आईपीएल में ही वापस आए हैं। तो यू कैन गिव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवन बुमराह, यू नो इफ विराट कोहली ऑब्वियसली डजंट वॉन्ट इट। और मुझे पर्सनली ये लग रहा है दैट शायद हार्दिक पांड्या ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है। हार्दिक पांड्या का नाम पहले से ही था कैप्टन थे वो तो, लेकिन रोहित शर्मा को वापस कैप्टन दिया है, वहां पे डील हुई है जो भी है यार, सभी को बताया नहीं। वे पॉइंट ये है कि या तो आप अगर इन इसको नहीं बना रहे, नहीं विकी कह रहे हैं बुमराह होगा, मैं वही कह रहा हूँ, अगर इनमें से नहीं बना रहे तो बुमराह और स्काई बनते हैं, क्योंकि दोनों ही स्पेशलिस्ट है, दोनों स्पेशलिस्ट T20 स्पेशलिस्ट या बॉलर है, ठीक है, एक बैट्समैन है, तो आप उन्हीं को बनाओगे क्योंकि वाइस कैप्टन का ज्यादा रोल नहीं है। एनीवे अब आ जाता हूं मैं मुद्दे पे, संजू सैमसन 25 मैच खेला 22 में इनिंग आईएएस की, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं, मैं आईपीएल की नहीं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इसकी एवरेज बता देता हूं 18.7, स्ट्राइक रेट बता देता हूं 133 है भाई, ठीक है, जिसमें से मैं बता देता हूं एक हाफ सेंचुरी है, ठीक है, हाईएस्ट है वो 77 का है। अब आईपीएल की इसके स्टैट्स देखे जाए तो 30 की एवरेज है, 31 की है, 139 की स्ट्राइक रेट है, हाफ सेंचुरी 24, यहां इसने 3 शतक मार रखे हैं। तो इंटरनेशनल और आईपीएल का फर्क मैं बता रहा हूँ क्या चीज है, और ऊपर से ये 22 इनिंग इसने कितने स्थानों में खेली है ये भी ध्यान में रखना पड़ता है जी। तो यूसुफ जी की भी प्लेइंग 11 आ गई है, चलिए ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और भी जो लोग बैठे हैं, विकी आपकी प्लेइंग 11 मैंने देखी नहीं है, फटाफट से प्लेइंग 11 बनाइए, फिर हम कल इसकी क्लिप काटेंगे एंड लगाएंगे। तो भाई यूसुफ जी कह रहे हैं कि इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024 माई प्रेडिक्शन, रोहित शर्मा कैप्टन, विराट कोहली वाइस कैप्टन। यूसुफ जी आप इतने स्वीट क्यों है, वाइस कैप्टनसी नहीं होगी, विराट कोहली नहीं बनेंगे वाइस कैप्टन, चलिए संजू सैमसन और ऋषभ पंत, शिवम दुबे, दिनेश कार्तिक, रविंदर जडेजा, दीपक चहर को आपने कहां से डाल दिया यूसुफ जी, अर्शदीप, हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक। अच्छा हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है यूसुफ जी, एंड दिनेश कार्तिक जो है वो आपके विकेट कीपर है। फिर मुकेश कुमार, देश के मुकेश का भी नाम शायद नहीं है कंसिडरेशन में, रवि विश्नोई, यूजी चहल और रविचंद्र अश्विन खुद मना कर देंगे कि वो नहीं जाना चाहते हैं। तो यूसुफ जी अभी आपकी प्लेइंग 11 पे थोड़ा काफी काम होना बहुत जरूरी है, दोबारा से सोचिए, दोबारा से स्पीड वापस आएंगे
दोबारा से डिस्कशन करेंगे, थोड़ा और दिमाग लगाइए, बाकी हम सब की प्लेइंग 11 देखिए और रविचंद्रन अश्विन को बाहर करिए वहां से, दीपक चहर को भी बाहर करिए वहां से, और फिर थोड़ा सा और दिमाग लगाइए एंड देन दोबारा से हम इस पर डिस्कशन करेंगे। सो भाई क्रिश समीर बता रहे हैं दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है लोधा कमेटी के हिसाब से, दिनेश कार्तिक कॉमेंट्री एंड इंटरनेशनल मैचेस दोनों नहीं खेल सकता, तो ये अलाउड ही नहीं है, बट वो वापस आया था ना, वो वापस आया था 2022 में आया था ना भाई। तो अब रूल में क्या है, रूल कहाँ चेंज हो जाते हैं उसका, कौन कमेंट्री का, अभी तो देखो आईपीएल भी खेला ना, उसको कमेंट्री का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, अब एज ए प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। अब ईशान किशन श्रेयस अय्यर का नहीं रिन्यू हुआ ना, इसका मतलब ये नहीं रिन्यूअल नहीं हो सकता, तो ये चीज है। ऑब्वियसली देखो वर्ल्ड कप की चर्चा हम सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप पास में आ गया, इंपॉर्टेंट है। अब हमारी जो बॉलिंग है ना, पूरे वर्ल्ड कप में बॉलिंग ने जीता है फिर बैटिंग ने जीता है ना, अब लेकिन ऑस्ट्रेलिया टाइटल जो जीतता है ना वो जीतता है कॉम्बिनेशन, बैटिंग बहुत अच्छी होती है उनकी, बॉलिंग बहुत अच्छी होती है, ऑलराउंडर बेस होता है बहुत अच्छा होता है तीनों का, क्योंकि जब कोलैप्स होती है ना कोई बचा देता है। फॉर एग्जाम्पल 2023 के वर्ल्ड कप में मैक्सवेल अकेले फेल गया एक साइड से, अगर आपकी स्ट्रेंथ बीच नीचे तक है ना तो काम आती है। अब पेसर डाल लो, डालना तो पड़ेगा ही पेसर कोई ना कोई, विकेट कीपर तो ऋषभ पंत के अलावा कोई बनता ही नहीं प्लेइंग 11 में, इसको ना 50 बार दिखा देंगे। मुझे इतना इरिटेटिंग लगता है, वो धोनी को भी क्रॉस कर गया बैट्समैन फिर भी उसको दिखा रहे, थला ने ये कर दिया, थला ने ये कर दिया। तो विकी कह रहे हैं दैट उनकी टीम है विराट कोहली, रोहित शर्मा, जयसवाल, स्काई, रिंकू दुबे, जड्डू, हार्दिक, कुलदीप, सिराज, बुमराह, अर्शदीप, संजू, नटराजन एंड अक्षर। ओके, तो ये भी टीम मेरे से बहुत मैच करी है, एक्सेप्ट मैंने नटराजन नहीं रखा है, नटराजन की जगह मेरा कोई और है, एंड आपने मोर ऑर लेस ऑलमोस्ट सेम ही सारा लिखा है, तो किसी ने अच्छा पंत, हाँ पंत अंदर अक्षर बाहर, मैं वही सोच रही हूँ ऋषभ पंत का नाम थोड़ा गायब लग रहा है, जी ठीक है, तो ऋषभ पंत अंदर अक्षर बाहर आपने कर दिया है, तो ठीक है, ये काफी वेल बैलेंस टीम है, अच्छी टीम है, काफी सिलेक्टर्स के आसपास होने वाली है, आई एग्री विद दैट। तो समीर कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी की इंस्ट्रक्शन सही में वर्डिक्ट दिया है, अनुराग ठाकुर बीसीसीआई पोजिशन से हटाया था सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, लेकिन समीर जी डीके खेला था ना वर्ल्ड कप, उस टाइम भी वो शायद कमेंट्री कर रहा था और उसने फिर कमबैक किया था, इंटरनेशनल रिटायरमेंट वापस ली थी, ऐसा कुछ किया था। सैम करन को देख लो, वो सारे खिलाड़ी है ऐसे जो बैक आते हैं रिटायरमेंट से वापस आ जाते हैं, ये चीजें है ना, मैं तो पता नहीं यार क्या ही बोलू, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ये नहीं के हक की बात होती है। दादा ने गांगुली ने बुला लिया था मैं जोगल श्रीनाथ को कि भाई मुझे तू चाहिए वर्ल्ड कप में रिटायरमेंट, ले वापस आ, सब ये सब खिलाड़ी जो ज्यादा तक है।